नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 5 फरवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा, तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। इसमें मैंने निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा और निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट ऑप्शन चेन और प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करूँगा। और इसका और इसका मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ताकि आप लोग को ये रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मैंने बाई लेवल सेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स कमोडिटी देता हूँ। इनसेट द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, 100 डे AMA स्ट्रेटेजी, 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी और इनसेट द NR4 NR7 और कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और इसका ये जो फाइल मैंने शेयर करता हूँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये पूरा फाइल ही आप लोग को मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसके बाद सर्विस ले सकता है। ये पूरा फाइल आप लोग को मिल जाएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है उसका वीडियो भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने का डिस्क्रिप्शन भी लिंक भी मिल जाएगा। और ये फाइल डाउनलोड करने का सैम्पल फाइल डाउनलोड, इसमें क्या क्या है, कैसे आप लोग काम ला सकता है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए निफ्टी का जो कल मैंने बोला था, कल का वीडियो आप लोग फिर से देख सकता है कि इधर थोड़ा सा बुलिश रिवर्सल बना था। इधर ऑलमोस्ट 38% इस कैंडल का लास्ट कैंडल का 38% रिकवरी हुआ था, आज ऑलमोस्ट 100% रिकवरी दिया है। तो इसमें लगता है ये कि और भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि इधर जो चार्ट का जो सेटअप दिखता है और ये जो बुलिश रिवर्सल का कैंडल दिखता है, तो और भी रिवर्सल थोड़ा सा हो सकता है। इधर 12,100 के ऊपर इधर रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन इधर ऊपर और नीचे मतलब ऊपर और कंसोलिडेशन, यही अभी मतलब ट्रेंड चलेगा। थोड़ा सा नीचे से आप लोग बाई कर सकते हैं, तो यही इसका ट्रेंड है कि इसका और थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा और ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो और निफ्टी बैंक का देखता हूँ, निफ्टी बैंक का वही तो और भी थोड़ा कुछ देर ऊपर जाता है, कुछ देर तक रिट्रेस हो सकता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, तो प्राइस एक्शन होता है, तो ऑलमोस्ट ये काम करता है। ये भी इस लास्ट कैंडल का फर्स्ट 38.2%, उसके बाद ये ऑलमोस्ट 100% रिकवरी हुआ है, तो 100% रिकवरी देने का चांस मिलेगा, आ सकता है। इसके बाद इधर ये रेजिस्टेंस मिलेगा 30,000-31,000 के आसपास, ये 30,900 के ऊपर ये रेजिस्टेंस आ सकता है। उसके बाद 31,290 के ऊपर रेजिस्टेंस आ सकता है, उसके बाद इधर 31,900 के ऊपर रेजिस्टेंस आ सकता है। और इधर ऑप्शन चेन देखूंगा तो निफ्टी का जो आता है जितने का जो PCR रेशियो, ये 0.92 के पास है, तो 0.92 के पास है, सॉरी क्या हो गया, 0.92 के कल इधर 0.62 के 0.59 0.62 के पास आसपास था, तो इधर रिटेस हुआ था। इधर 12,100 में इसका रेजिस्टेंस है और 11,800 फर्स्ट रेजिस्टेंस है, 11,900 उसके बाद 11,800 में इसका सपोर्ट है पुट साइड में। और इधर बहुत ही शॉर्टिंग हो रहा है, इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो शॉर्टिंग जब हो रहा है तो थोड़ा सा PCRSE को और भी ऊपर ले जाने के बाद, मतलब और भी थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मैंने बोला था कि काउंटर ट्रेड जरूर आएगा, ऊपर जाना ही है इसको। तो इधर शॉर्ट इतना हेवी शॉर्टिंग हुआ है, तो इधर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है जो निफ्टी को पुल बैक करवा सकता है, तो और भी थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ सकता है, क्योंकि इधर हेवी शॉर्टिंग हुआ है तो पुट साइड में, तो इधर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। शॉर्ट कवरिंग आने के लिए तो आने का जब निफ्टी थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, लेकिन मैंने जो बोला था कि ट्रेंड अभी आप और कंसोलिडेशन यही ट्रेंड रहना चाहिए। बैंक निफ्टी का इधर 1 के थोड़ा सा
इससे रेशियो जो है वो 1 के थोड़ा सा ऊपर गया है, और इधर 31,000 में इसका सपोर्ट बना है। इधर कॉल साइड में सबसे इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और इधर पुट साइड में इधर 30,500 में इसका सपोर्ट बना है। इधर शॉर्ट हेवी शॉर्टिंग हुआ है, तो वो भी एक ही सिचुएशन है कि इधर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। इतना भारी शॉर्टिंग हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आप में जाएगा और आप में जाके थोड़ा सा कॉन्सोलिडेशन आएगा, आप और कंसोलिडेशन ऐसे करके निफ्टी बैंक निफ्टी चलना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, और प्रोबेबिलिटी देखते हैं 2 दिन का एक्सपायरी का हिसाब से प्रोबेबिलिटी जो है तो अप ट्रेंड दिखा रहा है। दोनों साइड ही जो सब रेजिस्टेंस के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैंने आप लोग को बाय सेल लेवल भी दे दूंगा, पिवट पॉइंट भी आप लोग को दे दूंगा। ये रात में आप लोग वीडियो फॉलो कीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।